संसद मेंबर ओवैसी ने मोदी नूं पुछिया सवाल, मास्क दीआं दुकानां बंद करन वालिआं दी कौन करेगा भरपाई, कहा ओवैसी ने। हर साल नवरात्रे दौरान देश के कई हिस्सों में मीट दीआं दुकानां बंद हो जांदीआं ने। इस संबंध में दक्षणी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रे दौरान मीट ते पाबंदी लगाउण दा हुक्म जारी किया। नाल ही उन्होंने नगर निगम कमिश्नर ज्ञानेश भारती नूं पत्र लिख के योग कदम चुकन दे निर्देश भी दिते ने। मेयर ने पत्र च लिखिया, नवरात्रियां दे मौके ते हिंदू अपने देवी देवतियां दी पूजा करदे ने, पर कई थावां ते खुल्ले च मीट वेचिया जांदा है। उन्हां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचाउंदा है। नवरात्रे दौरान लोग पूरी तरह शाकाहारी हुंदे ने अते मांसाहारी शराब दे नाल नाल कुछ खास मसालियां तो भी परहेज करते हैं। इस समय दौरान लोग प्याज ते लसण भी नहीं खाते, इसलिए उन्होंने मंदिरों के आले दुआले मीट दी दुकानों तो भी परेशानी होती है। इसनों मुख रखद संबंधित अधिकारियों को 11 अप्रैल तक मीट दी दुकानों बंद करने लिए लोड़ी कार्रवाई करने की हदायत जारी की ने। सरकार के इस फैसले को लेकर रमजान के दिनों में यह फैसला लैन के कारण ओवैसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट च लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी वड्डे उद्योगपतियों लिए कारोबार करने की सौख का प्रबंध अक्सर करते रहते हैं, अजिहे च इस फैसले नाल लोगों की आमदन के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मांस अपवित्र नहीं है, यह सिर्फ लसण या प्याज वर्गा ही भोजन है। सो रमजान के महीने एडा वड्डा फैसला लैन का यह की मतलब है, जिथे वह एक धर्म को लैके इन्ने वड्डे फैसले कर रहे हैं, उत्थे ही उन्होंने यह फैसला कुछ दूसरे धर्मों के लोगों को ठेस पहुंचा सकता है। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।